ऑल राइट गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्निकल श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव। गाइस यार, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आपको 100% पेमेंट मिलेगा एंड यहाँ से आप एक सिंगल टास्क के $10 तक अर्न करोगे। आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हो पेमेंट प्रूफ, ये यहाँ पे देखिए $15, $3, फिर $3, फिर $10, $15, $15, $10, ये आपको इस टाइप से आपको पेमेंट मिलने वाला है। सो गाइस यार, कौन सी वेबसाइट है, कैसे आपको वर्क करना है, क्या वर्क करना रहेगा, सारी डिटेल इसी वीडियो में होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइस यार, सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है यूजर टेस्टिंग। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि 100% सिक्योर एंड सेफ है और यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड ये कंपनी 100% वेरीफाइड है। आप ट्रस्ट पायलट पर इस कंपनी की रेटिंग चेक कर सकते हैं। 4.6 की रेटिंग यहाँ पर कंपनी को दी गई है एंड यहाँ पर 1024 लोगों ने इस कंपनी को रेट किया है। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि 5 स्टार 74% लोगों ने इस वेबसाइट को दिया हुआ है एंड यहाँ पर आप इनकी कमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, रिव्यू वगैरह। हमेशा आपको इस कंपनी के रिव्यू अच्छे ही मिलेंगे। इसी केस में हो सकता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उसने रिव्यू गलत दिया हो, लेकिन ज़्यादातर रिव्यू आपको हमेशा लेजिट एंड जेन्युइन देखने को मिलेंगे। यार, इस वेबसाइट से आपको कैसे काम करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बट गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हो, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए प्लीज लाइक भी कर दिया करें गाइस। सो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए एंड वीडियो देखने के बाद आप अपना अकाउंट इस वेबसाइट में बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको इस वेबसाइट में वर्क करना है, वेबसाइट में बेसिकली किस टाइप का वर्क होता है, आप कैसे कर सकते हो, तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ एंड मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी यहाँ पर बताऊंगा। सो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम है यूजर टेस्टिंग। देखो, अब रोज रोज नए सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं, जैसे कि कोई ऐप हो गया या कोई विंडो का सॉफ्टवेयर हो गया या कोई वेबसाइट हो गई, तो ये जब भी लॉन्च होते तो ये बीटा वर्जन में आते हैं। दैट मीन्स कि जो लोग इन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं वो लोग पहले इसकी बीटा टेस्टिंग करवाते हैं, मतलब कि इस वेबसाइट के थ्रू उन ऐपों को या सॉफ्टवेयरों को टेस्ट करवाते हैं कि उनमें कोई बग तो नहीं है। बग का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इशू तो नहीं है, फिर वो लोग अपने ऐप या सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दे जिससे कि उस ऐप को फिर सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा दूँ, जैसे व्हाट्सएप है तो सबसे पहले वो लॉन्च नहीं हुआ होगा, पहले वो बीटा टेस्टिंग में गया होगा। जब लोगों ने टेस्ट किया होगा और बताया होगा कि ये ऐप सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या जो भी बग होंगे, तो उन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया होगा जिससे कि उनने फिक्स किया और उसके बाद व्हाट्सएप जैसे ही एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसी टाइप से यहाँ पर वर्क होता है। गाइस, मैंने आपको बता दिया कि इस वेबसाइट में वर्क क्या होता है। आप देखिए, यहाँ पर आप कंपनी वगैरह देख सकते हो, इनके साथ कौन कौन सी कंपनी के टाई अप हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। कैनवा है, गोडेडी है, हेलो फ्रेश है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि HP है, कितना बड़ा ब्रांड है, ये आप सब लोग जानते ही हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट में आपको क्या करना रहेगा। आपको टेस्टिंग करनी रहेगी, जो कि ऐप वगैरह रहते तो आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप PC वगैरह में भी कर सकते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन मोबाइल के होंगे वो आप मोबाइल में कर पाओगे और जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर PC या लैपटॉप के होंगे तो उनको आप डेस्कटॉप वगैरह से कर पाओगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट पेड टू टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है गेट पेड टू टेस्ट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके गाइस, देखिए हमने यहाँ पर गेट पेड टू टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमें इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस गेट स्टार्टेड, तो हमें अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाक से ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह डाल दिया। अब आपको क्या करना है, आई हैव रीड एंड एग्री विद द, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है एंड गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपसे कुछ और डिटेल पूछी जाएगी, तो वो आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। सो गाइस यार, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि अब हमारे सामने कौन सा पेज आता है।
फिर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए गाइज, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम डाल देना है, जो भी आपका नाम है वो आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद आपको अपना सर नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी आप एक यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि कोई सा आपको एक यूजर नेम टाइप कर देना है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हो @ करके, तो आपको @ नहीं लगाना है, लेकिन कोई एक स्पेशल कैरेक्टर या कोई नंबर वगैरह लगा देना है अपने नाम के आगे पीछे कहीं पर भी। और आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है, मतलब कि पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड कैसे डालोगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालना है, 1 अपर केस 1 लोअर केस एंड 1 डिजिट। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जिप कोड डाल देना है। जिप कोड में आपको क्या डालना है, जो भी आपके एरिया का पोस्ट का कोड होता है वो आपको डाल देना है। एंड उसके बाद आपको पेपल का ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना है, क्योंकि जो भी पेमेंट आपको मिलेगा वो डायरेक्टली पेपल में ही मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो $10 $3 का पेमेंट है ये आपको कैसे मिलेगा, डायरेक्ट आपकी पेपल अकाउंट में मिलेगा। जैसे ही आप किसी ऐप को टेस्ट करोगे और वो अप्रूव होगा तो आपको फटाक से उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो पेपल आईडी है वो सही डालनी पड़ेगी, तभी आपके पेपल अकाउंट में पैसे आएंगे। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने भी वीडियो बनाया है कि पेपल अकाउंट कैसे बनाए, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। सो गाइस चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम वगैरह सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। ओके गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, मैं फ्रेंड के नाम पर बना रहा हूँ, एंड लास्ट नेम डाल दिया, यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, जिप कोड डाल दिया एंड पेपल का मेल एड्रेस डाल दिया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जो भी गड़बड़ी होगी वो हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, Your username cannot include part of your first और last name, मतलब कि हम अपना first और last name यहाँ पर नहीं डाल सकते यूजर नेम में। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर नाम डाल के देख लेता हूँ अब क्या होता है। तो मैं फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड देखता हूँ अब क्या होता है। अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, तो देखते हैं हम ये कम्प्लीट होता है या नहीं, क्योंकि गाइज जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको भी आ सकती है, इसीलिए मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ओके गाइज, सो देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, अब हमें कंटिन्यू करना है। अभी हम चेकलिस्ट के ऊपर हैं, तो अब हमें क्या करना रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर टेक ए प्रैक्टिस टेस्ट, अब हमें एक प्रैक्टिस टेस्ट देना होगा। जी हाँ गाइज, यहाँ पर हमें एक प्रैक्टिस टेस्ट देना होगा, उसके बाद कंप्लीट करनी पड़ेगी प्रोफाइल एंड उसके बाद करनी पड़ेगी वेरीफाई ईमेल आईडी। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेता हूँ। तो रीसेंट ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ये जो हमें मेल आ चुकी है इसको मैं वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर लेता हूँ। गाइस हमारी मेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ पेज को कि हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हुई है नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारी जो मेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुके है, यहाँ पर सक्सेस लिखा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसके ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके गाइस, तो गाइस ये वाला जो टेस्ट है ये आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा। ये आप कैसे क्लियर करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है वॉच दिस वीडियो फॉर टिप्स एंड गाइडेंस और रिकॉर्ड यूर फीडबैक, आपको अपना यहाँ पर एक फीडबैक रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर लिखा है थिंग्स टू रिमेम्बर, मतलब याद रखने योग्य चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर ईच टास्क रीड द क्वेश्चन आउट लाउड एंड स्पीक यूर थॉट क्लियरली, आपको क्या करना है कि जो आगे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं उनको आपको जोर से पढ़ना है एंड आपको अपने थॉट शेयर करना है। एंड उसके बाद लिखा है यहाँ पर सेकंड नंबर पे टेक यूर टाइम, मतलब कि आप समय लीजिए जितना हो सके, आपको ज्यादा समय लग रहा है ज्यादा समय लीजिए। डोंट रश थ्रू द टास्क, मतलब कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से धैर्य पूर्वक यहाँ पर टेस्ट को क्लियर करना है। और यहाँ पर लिखा है देयर आर नो रॉन्ग आंसर, यहाँ पर कोई भी गलत आंसर नहीं है, मतलब कि कोई भी गलत उत्तर नहीं है। जस्ट गिवन यू आर होनेस्ट ओपिनियन, ये सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका थिंकिंग क्या है उस क्वेश्चन के बारे में, तो ये लोग केवल वो चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं है, कोई राइट आंसर नहीं है, आपको बस अपने होनेस्ट रिव्यू देना, जिससे कि आपकी प्रोफाइल जल्दी से जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी और आपको जल्दी से जल्दी काम मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कम्प्लीट कर लेना है, जब भी आप ये कम्प्लीट करोगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगी और कंपनी वालों के पास आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी।
तो उनको पता चल जाएगा कि आपने सही आंसर दिया है, गलत आंसर दिया है, क्या किया है। तो मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बता दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है एडिट प्रोफाइल, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो जो चीजें आपसे मांगी जा रही है वो सारी की सारी आपको एडिट करके फिल कर देनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल के ऊपर जाना, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री वगैरह डली हुई है, जिप कोड डला हुआ है, हाउस होल्ड इनकम, एंड आपके पास कोई चिल्ड्रन वगैरह है 18 साल से कम के हैं कि नहीं आपके घर में, तो वो चीज़ आपको डाल देना है। ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वगैरह आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको ब्राउजर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, एंड लैंग्वेज एंड डिवाइस आपके पास कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपको सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, सो अभी आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि आपको $10 iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मिल सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दी गई है इस टाइप से आपको यहाँ पर वर्क मिलेगा। जैसे कि अवेलेबल टेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि आपको $10 इन चीज़ों के मिलेंगे। एंड मैं अगर आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ यहाँ पर, एंड उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आपको $10 ऐसे पेड होते जाएंगे। मतलब कि जैसे आप प्रोफाइल और टेस्ट वगैरह क्लियर करोगे तो आपके पास ढेर सारे टेस्ट और सर्विस वगैरह आने लगेंगे, जिससे कि आप पर टेस्ट के $10 तक कमा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, ये वेबसाइट 100% जेन्युइन है, आपको कभी भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड यहाँ पर वर्क भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप एक दिन में दो टेस्ट भी क्लियर करते तो ईजिली $20 हो जाते हैं, एंड अगर आपको कभी कभी टेस्ट नहीं मिलते हैं तो एक टेस्ट भी अगर मिलता है तो $10 हो जाते हैं। $10 का मतलब है 700-800 रुपए आपके बन जाते हैं इजीली। तो गाइस यार काम बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, मैंने आपको सारी जानकारी यहां पर दे दी है। अब गाइस हो सकता है कि मैं इसी वीडियो का सेकंड पार्ट ही बताऊं, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको इस वेबसाइट में वर्क करना है एंड कैसे आपको टेस्ट को क्लियर करना है। सारी की सारी जानकारी उस वीडियो में हो सकती है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि भाई मुझे वो वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को ही वीडियो नहीं चाहिए होगा तो मैं क्यों बनाऊंगा। इसीलिए अगर आप कमेंट करते हो तो जरूर से मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आपको टेस्ट वगैरह क्लियर करके भी दिखाऊंगा। सो गाइस यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।